करारे दिल फसाना हो गया है, तुम्हें देखे जमाना हो गया है, और तुम्हारे वादे फर्दा का हीला कयामत का बहाना हो गया है, तुम्हारे वादे फर्दा का हीला कयामत का बहाना हो गया है। और पुराने दोस्तों के घर सुना है तुम्हारा आना जाना हो गया है, पुराने दोस्तों के घर सुना है तुम्हारा आना जाना हो गया है। और तुम्हारे जुल्म के लालो गोहर सब हमारा दिल खजाना हो गया है, हमारा दिल खजाना हो गया है। और दुआएं दें मेरे सीने को उनका बहुत अच्छा निशाना हो गया है, दुआएं दें मेरे सीने को उनका बहुत अच्छा निशाना हो गया है। और रईसाना गज़ल है बैत दर बैत, रईसाना गज़ल है बैत दर बैत, गरीबों का ठिकाना हो गया है, गरीबों का ठिकाना हो गया है, करारे दिल फसाना हो गया है, तुम्हें देखे जमाना हो गया है। तो ये हमारे रईस अलवी साहब की क्या खूबसूरत गज़ल है, बहुत अच्छी। तो हमने मुशायरों में उनसे सुनी भी है, हमने अपने खुद रईस साहब। मैं अब सबसे पहले मैं ज़हमत दूंगा अपने इख्तदार आब्दी साहब को, जो शायरी में अपना डेब्यू कर रहे हैं आज बहरहाल। तो लेकिन ये कि उनकी मोहब्बत है रईस साहब के लिए, कि वो चाहते थे कि इस तरह एक अपना जो है वो जज्बे का इजहार करना उनके रईस साहब की मोहब्बत में। जनाब इख्तदार आब्दी साहब जी, शुक्रिया। अच्छा भाई, मैं वैसे तो शायर नहीं हूँ, लेकिन रईस भाई से यहाँ मेरी मुलाकात हुई बचपन में। वो मुझे दादा जानते थे, मुझे उनकी बचपन में याद नहीं। मैं मुश्किल से 5-6 साल का रहूँगा ज़माने में, या और भी छोटा। तो बहरहाल वो ऐसी शख्सियत रहे हैं कि उनके लिए मैंने जो मिसरा चुना गया उस पर मैंने भी कुछ लिख दिया। तो इसकी इसलाह हमारे उस्ताद साहब ने की है, जो उस्ताद रूस हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करते हुए तरन्नुम में कोशिश है। मिसरा है, करारे दिल फसाना हो गया है, करारे दिल फसाना हो गया है, करारे दिल फसाना हो गया है। अदब और इल्म के सोते जगा कर, अदब और इल्म के सोते जगा कर, वो गहरी नींद खुद ही सो गया है, वो गहरी नींद खुद ही सो गया है। मुस्कानो मोहब्बत याद है उसकी, मुस्कानो मोहब्बत याद है उसकी, ये फन यूं वगरना खो गया है, ये फन यूं वगरना खो गया है। गोहर पाए यकीनन बेश कीमत, गोहर पाए यकीनन बेश कीमत, सुखन के उस शहर में जो गया है, सुखन के उस शहर में जो गया है।
तमन्ना ये के रहता हम मिले किन, तमन्ना ये के रहता हम मिले किन, वक्त आने पे ही तो वो गया है, वक्त आने पे ही तो वो गया है। और मिस्ट्री के लिए तवज्जो चाहूँगा, हफ्ते के लिए। हसी यादों का बस है इक्तदार, हसी यादों का बस है इक्तदार, करारे दिल फसाना हो गया है, करारे दिल फसाना हो बहुत शुक्रिया आपके साथ। गया। दरअसल हमसे क्या मुझसे कि ये एक भूल ये हुई कि हमने जब ये इसका ऐलान किया और ये पोस्टर भी बनाया था तरह मुशायरे का, तो उमूमन जब हम मिसरा तरह देते हैं तो उसमें हम ये भी इंडिकेट कर देते हैं कि काफिया क्या होगा। तो जैसे इस गज़ल में काफिया जो है वो, वरना ये कि आप काफिया हो गए, जैसे इन्होंने हो गया है जो वो भी आप बना सकते हैं काफिया, और फसाना हो गया है, तराना और खजाना ये भी एक काफिया है। तो इस हमारा ख्याल ये था कि मेरा ख्याल उमूमन लोगों ने शायद इसी काफिये को, पुराना ज़माना को शायद इस्तेमाल किया। बहरहाल मैंने तो चंद शेर कहे, वो मैं आप जनाब सदर की इजाज़त से अर्ज़ कर देता हूँ कि मतला देखिए कि इश्क बस एक फसाना हो गया है, इश्क बस एक फसाना हो गया है, किस्सा अब ये पुराना हो गया है, किस्सा अब ये इश्क बस एक फसाना हो गया है, किस्सा अब ये पुराना हो गया है। और दिल और मतलब आसानी है कि दिल मेरा एक खजाना हो गया है, दिल मेरा एक खजाना हो गया है, कि जख्मों का ठिकाना हो गया है, कि जख्म दिल मेरा एक खजाना हो गया है, कि जख्मों का ठिकाना हो गया है। और आँख में तस्वीर उसकी है मगर, आँख में तस्वीर उसकी है मगर, उसे देखे ज़माना हो गया है, उसे देखे आँख में तस्वीर उसकी है मगर, उसे देखे ज़माना हो गया है। और दास्ताने वसल इतनी है कि वो, दास्ताने वसल इतनी है कि वो आया न था के जाना हो गया है, आया न था, दास्ताने वसल इतनी है कि वो आया न था के जाना हो गया है। और कह न पाया मैं रईसाना गजल, कह न पाया मैं रईसाना गजल, शेर कहते जमाना हो गया है, शेर कहते, कह न पाया मैं रईसाना गजल, शेर कहते जमाना हो गया। और ये तज़मीन मैंने की है ने अलवी साहब के मिसरे की, के इश्क की ये मुख्तसर है दास्तां, इश्क की ये मुख्तसर है दास्तां, करारे दिल फसाना हो गया है, इश्क की ये मुख्तसर है दास्तां, करारे दिल फसाना हो गया है। और सिलसिला दारो रसन का है जहाँ, सिलसिला दारो रसन का है जहाँ, वही मेरा ठिकाना हो गया है, सिलसिला दारो रसन का है जहाँ, वहीं मेरा ठिकाना हो गया है। और इश्क का इजहार क्यों फिर से करूँ, इश्क का इजहार क्यों फिर से कहूँ, एक बार कह दिया ना हो गया है, एक बार इश्क का इजहार क्यों फिर से करूँ, एक बार कह दिया ना हो गया है। और शायरी में फिक्र थी कुछ फलसफा, शायरी में फिक्र थी कुछ फलसफा, ये चलन अब पुराना हो गया है, ये चलन अब पुराना हो गया है, और इश्क बस एक फसाना हो गया है, किस्सा भी पुराना हो गया है। बहुत 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 शुक्रिया। मैं अब तहमीना राव से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ लाएँ और अपने
जनाबे सदर की इजाज़त से फजल के चंद अशआर। तबस्सुम दिल बराना हो गया है, तबस्सुम दिल बराना हो गया है, गज़ब का मुस्कुराना हो गया है। तबस्सुम दिल बराना हो गया है, गज़ब का मुस्कुराना हो गया है, मोहब्बत पा गई है अपनी मंजिल, मोहब्बत पा गई है अपनी मंजिल, ये दिल तेरा ठिकाना हो गया है। अच्छा, शुक्रिया। कमी तेरी ही थी तू आ गया तो, कमी तेरी ही थी तू आ गया तो, मुकम्मल आशियाना हो गया है। और शुक्रिया। कभी हर दूसरे दिन रूठते थे, कभी हर दूसरे दिन रूठते थे, जिन्हें रूठे जमाना हो गया है। शनासा अजनबी है कोई जिससे, शनासा अजनबी है कोई जिससे, ताल्लुक गायबाना हो गया है। मेरी रौदात किसको याद होगी, मेरी रौदात किसको याद होगी, मेरा किस्सा पुराना हो गया है। बहुत शुक्रिया। सुनाओ तुम भी कुछ अशआर देखो, सुनाओ तुम भी कुछ अशआर देखो, समा भी शायराना हो गया है। बहुत शुक्रिया। उसे तहमीना अब क्या याद करना, उसे तहमीना अब क्या याद करना, जिसे छोड़े ज़माना हो गया है। बहुत शुक्रिया। मैं जानूंगा यास्मीन शाह। मैं कुछ अल्फाज थोड़े से अरबी साहब के बारे में कहना चाहती हूँ कि उनकी जब मैं 2006 में वहाँ गई थी कराची में फॉरेन फैकल्टी प्रोफेसर होके, तो रईस साहब जो हैं वो रजिस्ट्रार थे, लेकिन अक्सर अवकात वो पीर साहब की गैर मौजूदगी में, जो कि पीर साहब मेरे उस्ताद भी थे, उनकी गैर मौजूदगी में वो वाइस चांसलर भी हो जाते थे। मुझे सिर्फ ये मुख्तसरन एक दो जुमलों में ये बताना है कि रईस अलवी साहब बेहद डाउन टू अर्थ पर्सन थे, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन थे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो वो पाकिस्तान में ट्रैवल करते थे तो आप समझिए कि ब्लैक ग्लासेस की कार और ये सब कुछ, और आगे दो स्कूटर, इस तरह की जो भी प्रोटोकॉल होती थी उस तरह की, और आप यहाँ पे देखें तो वो एक बहुत ही हम्बल से इंसान की तरह हमारे दरमियान बैठे थे। हम लोग उनके लिए खड़े होते थे गेट के ऊपर कि अब रईस साहब आ रहे हैं। तो मैं तो वो मंजर, वो बातें नहीं भूल सकती। मैंने 4 साल सारी मतलब यूनिवर्सिटी की भी जो भी अफेयर्स होते थे उसमें मैं भी इन्वॉल्व थी, तो मैं 4 साल मैंने उनके साथ गुजारे और मैंने देखा कि वो कितने बड़े आदमी थे, शायर थे इंसान, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इंसानों में होनी चाहिए वो उनकी इंसानियत ही। वो सच अ बिग ह्यूमन बींग, बहुत बड़े इंसान थे। तो खैर, मैं क्या उनके लिए कुछ उनकी ज़मीन में कह सकती हूँ, लेकिन मैंने कुछ अशार कहे हैं। जख्मे दिल अब पुराना हो गया है, जख्मे दिल अब पुराना हो गया है, खुद से मिलकर जमाना हो गया है, खुद से मिलकर जमाना हो गया है। बेवतनी का ये दर्द है या फिर, बेवतनी का ये दर्द है या फिर, शिकस्ता दिल बहाना हो गया है, खुद से मिलकर जमाना हो गया है। हम तो थे खुद अपने आप से नाला, हम तो थे खुद अपने आप से नाला, बेसबब वो निशाना हो गया है, बेसबब वो निशाना हो गया है। जख्म दिल अब पुराना हो गया है, बेमहर लोगों की बेमहर बातें, बेमहर लोगों की बेमहर बातें, अब तो हंस के जमाना हो गया है, अब तो हंस के जमाना हो गया है। ये अलवी साहब की याद की खुशबू,
ये अलवी साहब की याद की खुशबू सारा आलम सुहाना हो गया है, जख्म दिल अब पुराना हो गया है, उससे मिलकर जमाना हो गया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इजाज़त से गज़ल के चंद अशआर हैं, करारे दिल फसाना हो गया जो तरीन सा दिया गया था, उस पर कुछ कहने की कोशिश करिए, मतलब समाप्त फरमा लीजिए। कठिन दिल का लगाना हो गया है, कठिन दिल का लगाना हो गया है कि मुश्किल आना जाना हो गया है, करारे दिल फसाना हो गया है, करारे दिल फसाना हो गया है, ये किस्सा भी पुराना हो गया है, करारे दिल फसाना हो गया है, ये किस्सा भी पुराना हो गया है। और शेर अर्ज है, रफीक़े जानो दिल है बेकरारी, रफीक़े जानो दिल है बेकरारी, उसे भी एक ज़माना हो गया है, रफीक़े जानो दिल है बेकरारी, उसे भी एक ज़माना हो गया है। और शेर अर्ज है कि रईस अलवी जो कल तक थे हकीकत, रईस अलवी जो कल तक थे हकीकत, अब उनका दम फसाना हो गया है, रईस अलवी जो कल तक थे हकीकत, अब उनका दम फसाना हो गया है, कहाँ ढूंढे के अब तो बिजलियों, कहाँ ढूंढे के अब तो बिजलियों, गुम अपना आशियाना हो गया है, कहाँ ढूंढे के अब तो बिजलियों, गुम अपना आशियाना हो गया है, अब आ जाओ तरसती हैं ये आंखें, अब आ जाओ तरसती हैं ये आंखें, तुम्हें देखे जमाना हो गया है, अब आ जाओ तरसती हैं ये आंखें, तुम्हें देखे जमाना हो गया है। और ये हालात हजरा से नास्बत करते हुए, ये किसने डाल दी पाँव में बेड़ी, ये किसने डाल दी पाँव में बेड़ी, ये घर क्यों कैद खाना हो गया है, ये किसने डाल दी पाँव में बेड़ी, ये घर क्यों कैद खाना हो गया है। ना शुक्रिया। ना आएगा वो खुद याद आएगा लेकिन, ना आएगा वो खुद याद आएगा लेकिन, अदम को जो रवाना हो गया है। शुक्रिया। न आएगा वो खुद याद आएगा लेकिन, अदम को जो रवाना हो गया है। और मख्ता समात फरमा लीजिए, ये दौर ऐसा है फरहत के मुश्किल, ये दौर ऐसा है फरहत के मुश्किल, वजूद अपना बचाना हो गया है, ये दौर ऐसा है ए फरहत के मुश्किल, वजूद अपना बचाना हो गया है, कठिन दिल का लगाना हो गया है कि मुश्किल आना जाना हो गया है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फरहत। ये मुसद्दिक़ लाखानी साहब की गज़ल है जो उन्होंने मेलबर्न से भेजी है, यहाँ वो मैं इसी तरह पर, उनकी भी अलवी साहब से बहुत दोस्ती थी, उन्होंने अपना ताज़ियत भी उन्होंने भेजी है अपनी तर्ज, और साथ में ये गज़ल के सुना है सब पुराना हो गया है, सुना है सब पुराना हो गया है, ये सुनते भी ज़माना हो गया है, सुना है सब पुराना हो गया है, ये सुनते भी ज़माना हो गया है, और सरे तस्लीम खम करता हूँ लेकिन, सरे तस्लीम खम करता हूँ लेकिन, तखय्युल बागियाना हो गया है, तखय्युल बागियाना हो गया है, और चलो अच्छा हुआ आंसू तो निकले, चलो अच्छा हुआ आंसू तो निकले, ज़रा मौसम सुहाना हो गया है, चलो अच्छा हुआ आंसू तो निकले, ज़रा मौसम सुहाना हो गया है, और हरम कैसा कहाँ की पारसाई, वह
हरम कैसा कहा कि पारस आई वहाँ पीना पिलाना हो गया है। हरम कैसा कहा कि पारस आई वहाँ पीना पिलाना हो गया है। और सफ़र अपना वतन है अपना घर है, सफ़र अपना वतन है अपना घर है, यहीं अपना ठिकाना हो गया है, यहीं अपना ठिकाना हो गया है। और मैं अपने आप से निकलूं तो कैसे, मैं अपने आप से निकलूं तो कैसे, ये दिल भी कैद खाना हो गया है। मैं अपने आप से निकलूं तो कैसे, ये दिल भी कैद खाना हो गया है। ये होना और न होना क्या मुसद्दक, ये होना और न होना क्या मुसद्दक, चलो हमने भी माना हो गया है, चलो हमने भी माना, सुना है सब पुराना हो गया है, ये सुनते भी ज़माना हो गया। और मैं अब ज़हमत दूंगा आप डॉक्टर बाखर रज़ा साहब को। रईस अदबी साहब हमारे कराची के बुजुर्गों में से थे और कराची के जो गिने चुने लखनऊ के अहले अदब अजरात में शुमार होता था। आज सुबह ही फरासत रिजवी ने मुझे बताया कि जनाब मुदब्बिर रिजवी साहब का भी इंतकाल हो गया, वो अमेरिका में थे और वो भी हमारे बुजुर्गों में से थे। ये बहुत आसान सी गज़ल बज़ाहिर तो नज़र आती है लेकिन इसकी बहर बहुत मुश्किल है। ये मुसद्दस सालम की बहर है लेकिन महब्बत है, यानी शुरू का हिस्सा जो है वो टूटा हुआ है। चंद अशआर देखिए। बहुत मुश्किल ज़माना हो गया है, बहुत मुश्किल ज़माना हो गया है, सुखन जी का जलाना हो गया है। बहुत मुश्किल ज़माना हो गया है, सुखन जी का जलाना हो गया है। बदन मस्का हुआ है जा बजा से, बदन मस्का हुआ है जा बजा से, ये पैराहन पुराना हो गया है। बदन मस्का हुआ है जा बजा से, ये पैराहन पुराना हो गया है। हजारों अक्स हैं यादों की इसमें, हजारों अक्स हैं यादों की इसमें, ये दिल आईना खाना हो गया है। हजारों अक्स हैं यादों की इसमें, ये दिल आईना खाना हो गया है। और हयात ऐसी है जैसे रोते रोते, हयात ऐसी है जैसे रोते रोते, जरा सा मुस्कुराना हो गया है। हयात ऐसी है जैसे रोते रोते, जरा सा मुस्कुराना हो गया है। और फरेबे जिंदगी खाना था हमको, फरेबे जिंदगी खाना था हमको, ये जीने का बहाना हो गया है। फरेबे जिंदगी खाना था हमको, ये जीने का बहाना हो गया है। और तमाजत धूप की कहती है हमसे, तमाजत धूप की कहती है हमसे, तही वो शामियाना हो गया है। लगी जो भीड़ थी वो छट चुकी है, लगी जो भीड़ थी वो छट चुकी है, बयाबा आस्ताना हो गया है। फजाएं उसके नगमों से भरी हैं, फजाएं उसके नगमों से भरी हैं, मुगनी तो रवाना हो गया है। अब इन तारों में उनको ढूंढना है, अब इन तारों में उनको ढूंढना है, फलक पर आशियाना हो गया है। मोहब्बत करने वालों से हैं रूठे, मोहब्बत करने वालों से हैं रूठे, लहज से दोस्ताना हो गया है। और किताबों में मुलाकातें रहेंगी, किताबों में मुलाकातें रहेंगी, यही मिलना मिलाना हो गया है। और फसाना बन गए जो कह रहे थे, फसाना बन गए जो कह रहे थे, करारे दिल फसाना हो गया है। फसाना बन गए जो कह रहे थे, करारे दिल फसाना हो गया है। वो सदरे बज्म थे
उठे तो उनका, वो सदरे बज़्म थे उठे तो उनका, दिलों में आशियाना हो गया है। सदरे बज़्म थे उठे तो उनका, दिलों में आशियाना हो गया है। मुअद्दब एक ताल्लुक था जो उनसे, मुअद्दब एक ताल्लुक था जो उनसे, वही अब वालेहाना हो गया है। और कहूँ कैसे नहीं है लुत्फ जारी, कहूँ कैसे नहीं है लुत्फ जारी, मगर अब गायबाना हो गया है, मगर अब गायबाना हो गया है। सुना है एक जगह खुलदे भरी है, सुना है एक जगह खुलदे भरी है, वही उनका ठिकाना हो गया है। सुना है एक जगह खुलदे भरी है, वही उनका ठिकाना हो गया है। और गजल बाकर लिखी पलकों से जैसे, गजल बाकर लिखी पलकों से जैसे, एक आंसू था रवाना हो गया है। बहुत मुश्किल जमाना हो गया है, सुखन जी का चलाना हो गया। बहुत खूबसूरत गजल, और खासतौर पर अंजी साहब की याद के हवाले से जो अशआर जिसने उसमें मौजू किए हैं वो बहुत ही खूबसूरत। बहुत 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 शुक्रिया। और मैं अब ज़हमत दूंगा जनाब आरिफ साजिद साहब को। मैं पेशतर इसके कि मैं कोई अपने शेर दो सुनाऊँ आपको, दो दरख्वास्तें करना चाहता हूँ। एक तो ये कि अलवी साहब के जाने का गम अभी बहुत ताज़ा है, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं एक तरी गज़ल लिखूँ उनके एक मिसरे के ऊपर। तो मैंने बहुत दिन अपने आप को आमादा करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। इसी दौरान एक और अफसोसनाक खबर मिली, और मैंने शाह साहब से दरख्वास्त भी की थी कि हम उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। हमारे बहुत ही बड़े मोहसिन ओम किशोर राज साहब की अहलिया जो है मिसेस राहत का इंतकाल हो गया, और हमें 20 दिसंबर को उनके इंतकाल की इत्तला मिली। तो ये यूँ समझ लीजिए जैसे कोई गम जो है वो दो रात उसका हो जाता है। तो ऐसी सूरत में कोई लिखना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन बहरहाल मुख्तसर ये कि चूँकि हुक्म था शाह साहब का, मैंने आना था, तो मैंने कुछ दो चार शेर लिखे हैं। बल्कि मैंने ये गज़ल सुनी नहीं थी। मैं शुक्रगुजार हूँ तहमीना राव साहब का कि उन्होंने जब पिछले इतवार मुलाकात हुई तो मुझसे पूछा, तो मैंने कहा नहीं मैंने ये गज़ल पढ़ी नहीं है। तो इम्कान यही है कि कुछ गड़बड़ होगी, तो इन्होंने मेहरबानी की मुझे सुनाई। लेकिन इसके बावजूद जो गड़बड़ होनी थी वो हो गई। जो दो चार शेर मैंने लिखे वो मैं साहिब सदर की इजाज़त से अर्ज कर देता हूँ। और ख़ासतौर पर डॉक्टर बाकर साहब की इतनी खूबसूरत गज़ल के बाद मेरे शेर आपको इतने पसंद नहीं आएंगे। एक दूसरी दरख्वास्त जो है कि ये रईस साहब की चूँकि याद में कर रहे हैं उनके इंतकाल को, भी थोड़े दिन गुजरे हैं, तो पूरी ताली मत बजाइए। वैसे भी ताली बजाना हमारे आदाब के ख़िलाफ़ है, और कि बिलखसूस इस सारी सूरत हाल में ताली मुनासिब नहीं। अगर आप दाद देना चाहते हैं तो वही जो मुशायरे में शेर की दाद देने का तरीका है उसी के हिसाब से देखिए। इसका मतला ही उनके मतले से मिलता जुलता है, बहरहाल अर्ज़ करूँ मतला है। उसे देखे ज़माना हो गया है, उसे देखे ज़माना हो गया है, करारे दिल फसाना हो गया है। और मेरे जाने की साथ आ गई थी, मेरे जाने की साथ आ गई थी, तेरा मिलना बहाना हो गया है। मेरे जाने की साथ आ गई थी, तेरा मिलना बहाना हो गया है, और हमें भी दर्द की दौलत मिली है, हमें भी दर्द की दौलत मिली है, हमारा दिल खजाना हो गया है। और वही दरिया वही देवी का मंदिर, वही दरिया वही देवी का मंदिर,
ये मंदिर अब पुराना हो गया है, वही दरिया वही देवी का मंदिर, ये मंदिर अब पुराना हो गया है और मताए इश्क लूटी जा चुकी है, मताए इश्क लूटी जा चुकी है, जुनून अब ताजियाना हो गया है, मताए इश्क लूटी जा चुकी है, जुनून अब ताजियाना हो गया है। और आखिरी शेर में कैफियत जो है वो रईस साहब की भी है और राहत साहब की मिसेस की भी है, देख लीजिए। और बहुत कुछ देखना बाकी है आरिफ, बहुत कुछ देखना बाकी है आरिफ, ये गम शायद पुराना हो गया है, उसे देखे जमाना हो गया है, करारे दिल फसाना हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखा ये सभी ने तकरीबन कमोबेश मौजू किया है, उससे देखे जमाना हो गया है, सबसे पॉपुलर दूसरा है सबका। मैं अब जनाब सर डॉक्टर शब्बीर हैदर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, आप चाहते हैं प्रोफेसर रईस अलवी साहब मरहूम की याद में बहुत अच्छी महफिल हुई, शायद मलिक साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये जगह हमें दी और हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। चंद शेर पढ़ता हूँ मैं कि तलुए जाविदाना हो गया है, तलुए जाविदाना हो गया है, कतीले आशिकाना हो गया है, करारे दिल फसाना हो गया है, वहीं पर आस्ताना हो गया है, मुकद्दर में सराबे जिंदगी है, इसी पे आबुदाना हो गया है, और अजब तकदीर का ये सान्या है, जो था अनजान जाना हो गया है, वो सब बचपन के साथी याद आए, वो सब बचपन के साथी याद आए, जिन्हें भूले जमाना हो गया है, हवाए शहर ने बदली हैं कदरें, हवाए शहर ने बदली हैं कदरें, अजब हंसना हसाना हो गया है, और निकल आए बिना सोचे सरेरा, निकल आए बिना सोचे सरेरा, यूं मिलने का बहाना हो गया है, ये तितली शाखे गुल से उड़ गई क्यों, ये तितली शाखे गुल से उड़ गई क्यों, गुलों में शाखसाना हो गया है, जो अनवा था कहानी में नहीं है, जो अनवा था कहानी में नहीं है, सुखन कुछ गुस्तराना हो गया है, जो दुनिया को कोरोना हो गया है, अजाबे जान जमाना हो गया है, गवारा था न जिस रास्ते पे जाना, वहीं अपना ठिकाना हो गया है, और उन्हें है फिक्र अपने बालों पर की, यहाँ तो जहाँ से जाना हो गया है। शुक्रिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ने मुख्तसर इख्तितामी खुतबा भी दे दिया है, और उसके साथ ही हम आज की ये महत्व खत्म करते हैं।